नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, जहां मुरथल टोल की आपको जानकारी के लिए बता दें, जहां किसानों द्वारा लगातार अब हरियाणा के व जीटी रोड के तमाम टोल जो है खोल दिए गए हैं। वहीं गुरनाम सिंह चडूली द्वारा, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि जगह जगह जहां टोल सरकार द्वारा फिर से शुरू किए गए थे, उनको बंद करके टोल फ्री किया जाए। लेकिन फिलहाल जो मुरथल टोल की तस्वीरें हैं, ये साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है। हालांकि पीछे जो है सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान सिंगू बॉर्डर व गाजीपुर के लिए यहाँ पर रवाना हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है एकमात्र टोल जो जीटी रोड पर मुरथल का है ये, तो वहाँ पर हम तमाम तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर जो है टोल फिलहाल वसूला जा रहा है। लेकिन जहाँ प्रशासन द्वारा तमाम जगह टोल खुलवा दिए गए हैं, फ्री कर दिए गए हैं, बावजूद उसके यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है। और इसके बाद आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है, वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन जो हम आपको फिलहाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मुरथल टोल की है जीटी रोड पर। और साथ के साथ यहाँ पर हमारे साथ जो है एक साथी हैं, किसान नेता हैं, युवा नेता हैं, उनसे पूछेंगे। देखिए, पीछे जो टोल जो है वो बिल्कुल खोल दिए गए हैं। किसान नेताओं ने आह्वान किया था सिर्फ किसान मोर्चा की तरफ से, यहाँ इस जो है टोल वसूला जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? पिछले जितने भी टोल प्लाजा थे उनको खोल दिया गया है। अब किसानों ने दिल्ली की तरफ जो आ रहे हैं उन्होंने रुक कर दिया है, और इस टोल प्लाजा को भी जल्दी से जल्दी फ्री करवा दिया जाएगा। अच्छा, तो अब पीछे से जो है ट्रैक्टरों का जो काफिला लगातार जारी है, ऐसे में यहाँ के जो है अभी तक टोल अभी तक खोला नहीं गया, फ्री नहीं किया गया, इस पर क्या रूपरेखा रहने वाली है किसानों की? अभी ये है कि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि पीछे से जितने भी ट्रैक्टर ट्रेलियाँ यहाँ आने वाले हैं, जितने भी हमारे किसान भाई आने वाले हैं, यहाँ आने के बाद इसको खोल दिया जाएगा। और जैसी भी बातें होंगी इनके साथ, जो भी इनके प्रशासन के साथ बातचीत रहेगी, और जहाँ तक है कि इसको पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। क्योंकि गहुंडा जो करनाल के पास टोल है वो भी वहाँ पर लंगर लगाया गया था 26 तारीख के बाद, जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो है लंगर हटा दिए गए थे। सरकार ने सख्ती की और तमाम जो है जो किसान बैठे हुए थे, लोगों को लंगर छका रहे थे, वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन कल की जो घटनाक्रम गाजीपुर में हुआ उसके बाद जो है अब तस्वीरें बदलने लगी हैं। क्या कुछ कहेंगे इस किसान आंदोलन के, जो किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ है? इसमें यह है कि पानीपत में लंगर सेवा दोबारा से स्टार्ट हो गई है सुबह से। जैसे ही टोल प्लाजा को वहाँ खोला गया, उसके साथ साथ वहाँ पर लंगर सेवा स्टार्ट कर दी गई, और वहाँ पर लंगर बांटा जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर ये लंगर सेवा थी वहाँ पर दोबारा से स्टार्ट की जाएगी, और जितने भी टोल प्लाजा जैसे पहले फ्री थे वो ऐसे ही फ्री रहेंगे। अच्छा नवीन जी, ये बताइए, अभी आपकी किसान नेताओं की कोई बातचीत हुई है ताकि यहाँ पर जो है किसान आए और उनको जो है समझाया जाए, प्रशासन को कहा जाए कुछ? इस बारे में किसान नेताओं का कहना है कि ये टोल प्लाजा जैसे है, किसान आंदोलन जैसे जिस रफ्तार से चल रहा था उससे भी तेज रफ्तार से चलेगा। अच्छा, और जो टोल प्लाजा खुले हुए थे वो खुले रहेंगे, और सारे किसान एकजुट होकर वहाँ दिल्ली पहुंचेंगे, गाजीपुर पहुंचेंगे, जिन जिन बॉर्डरों पर बैठे थे वहाँ पहुंचेंगे। जो भी सरकार ने इनके खिलाफ षड्यंत्र किया है उसका वो पर्दाफाश हो चुका है, सारी जनता को पता लग गया कि सरकार की नीयत क्या थी। ये नीयत सिर्फ इतनी थी कि इस आंदोलन को कैसे न कैसे छल करके ये तोड़ दिया जाए। और रात को जो दो विधायक थे जिन्होंने गाजीपुर पे आम आदमियों को लेकर, पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आम किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई उन्होंने, तो इससे ये है कि इनका सरकार का षड्यंत्र था कि हम अपने गुंडों को लेकर आए और किसानों को के ऊपर लाठियां चलाए और इस आंदोलन को नष्ट कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ उल्टी पड़ गई उनके ऊपर, और जितने भी किसान हैं वो दोबारा बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं, और सारे के सारे टोल प्लाजा खोल दिए जाएंगे, सारी लंगर की व्यवस्था थी वो वैसे ही सुचारू रूप में चलेगी। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर खोल दिया गया है टोल, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ से खोल दिया गया है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप लगातार, और देखिए उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हम आपको तमाम तस्वीरें और भी दिखाएंगे। लेकिन कुछ किसी तरह की कोई शक्ति होती है या ऐसी कोई चीज़ होती है, किसानों ने आह्वान किया है कि वो यहाँ पर टोल प्लाजा पर एकत्रित होंगे, और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस पर किसान लगातार अपना धरना भी देंगे, ऐसी जो है किसान नेताओं द्वारा कहा गया था। लेकिन
ये कुछ देर के बाद जो है खोल दिया गया था, लेकिन अभी फिर से उसको सुचारू रूप से ऐसे ही और रखा गया। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं और उससे जानेंगे लोगों से किस तरह से यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहे क्योंकि जो टोल है यहाँ पर अभी तक चल रहा है और पीछे के जो टोल की जो हमारे पास खबरें आ रही हैं चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर उनको खुलवा दिया गया है। हालांकि इस टोल की अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है और जहाँ पर किसान नेताओं को जो आह्वान करने के बाद यहाँ पर उन लोगों को रोका जा रहा है जो दिल्ली और सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर यहाँ पे जाना चाहते हैं। देखिए ये तस्वीर है, झंडा लगा करके आगे लगातार जा रहे हैं, देखेंगे क्या इनको रोका जा रहा है और इनसे पूछेंगे कि पीछे के जो टोल है क्या स्थिति है, किस तरह की है, कहाँ से आए हैं सर? करनाल से। पीछे जो दो टोल आपके पड़े हैं वो खोल दिए गए हैं, वैसे चल रहे हैं? जो पानीपत और गोरोंडा में जो टोल पड़ते हैं वो फ्री कर दिए गए हैं या? हाँ, शाम तक फ्री हो जाएंगे। अच्छा, अभी आप वहाँ से आए फ्री थे? किसान दोबारा से बंद करेंगे बिल्कुल। अच्छा, बंद हो गया है तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो करनाल में पड़ता है वो बंद कर दिया गया है और पानीपत की हमने तस्वीरें आपको दिखाई और यहाँ पर फिलहाल जो है टोल शुरू है और टोल लिया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को आप शेयर करें और यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि अभी भी उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, तमाम चीज़ें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सिटी तालका के माध्यम से कि यहाँ पर जो लोग आगे जा रहे हैं उनको पूछताछ की जा रही है और बाकी टोल की जो तस्वीरें हैं वो भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अभी तक जो मुरथल टोल है वो ऐसे ही चल रहा है। और इस बारे में आपका क्या कहना है और तमाम किसानों का इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ साथ जहाँ नोलथा के पास जो है टोल है वो भी खोल दिया गया है, पानीपत का टोल खोल दिया गया है, वहीं गरुंडा का जो है टोल वो भी खोल दिया गया है और यहाँ मुरथल का टोल फिलहाल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसानों का क्या यहाँ पर कदम रहने वाला है? और हमने यहाँ पर किसान नेताओं से भी बातचीत कराई और जो लोग पीछे से आ रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत कराई कि पीछे के जो टोल हैं वो खोल दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर किसानों का क्या रुख रहने वाला है और क्या प्रशासन से उनकी बातचीत हुई है नहीं हुई है, इसको लेकर के जो है स्थिति अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और तमाम चीज़ें तमाम घटनाक्रम हम आपको आंदोलन से जुड़ी खबरें बताते रहेंगे। लगातार आप बने रहें और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।